हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 10 जॉम्बीज मूवी के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको जिन जॉम्बीज फिल्मों के बारे में बताऊंगा, ये फिल्में आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो, ट्यूबी टीवी और यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो वीडियो पर आगे तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फिल्म आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है डे ऑफ द डेड। दोस्तों, ये मूवी 1985 में आई थी, एक हॉरर जॉम्बी मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 43 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 81% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.2 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, इस फिल्म में साइंटिस्ट और मिलिट्री का एक ग्रुप जॉम्बी से मानव जाति को बचाने की कोशिश करता है। अब क्या वो मानव जाति को बचा पाते हैं नहीं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 3.4 करोड़ डॉलर। आप इस फिल्म को ट्यूबी टीवी से देख सकते हो। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है वर्ल्ड वार जी। दोस्तों, मूवी 2013 में आई थी, एक हॉरर एक्शन मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 3 मिनट। इस मूवी की कास्ट में है ब्रैड पिट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 66% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में मैं आपसे इतना ही कहूँगा। अगर आपको जॉम्बीज मूवी देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जरूर देखना। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 54 करोड़ डॉलर। इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है कार्गो। दोस्तों, ये मूवी 2017 में आई थी, एक ड्रामा हॉरर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 45 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 88% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.3 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म की कास्ट में है मार्टिन फ्रीमैन। दोस्तों, इस फिल्म में एक इन्फेक्टेड पिता अपने बदलने से पहले अपने बच्चे के लिए एक नया घर ढूंढता है, तो वह अपने बदलने से पहले अपने बच्चे के लिए एक नई सेफ जगह ढूंढ पाता नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर से देख सकते हो। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है सस्पीरिया। दोस्तों, ये मूवी 1977 में आई थी, हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 40 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 93% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.4 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, इस फिल्म में सूजी जर्मनी ट्रेवल करती है बैले स्कूल के लिए, जहाँ से इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। दोस्तों, ये फिल्म दी थ्री मदर्स फिल्म सीरीज का पार्ट है। आप इस फिल्म को ट्यूबी टीवी से देख सकते हो। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है होटल ट्रांसिल्वानिया। दोस्तों, मूवी 2012 में आई थी, कॉमेडी फैमिली मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 32 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 45% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.1 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, आप इस फिल्म की रेटिंग पर मत जाना, रेटिंग कम है लेकिन फिल्म काफ़ी अच्छी है। ये एक एनिमेशन मूवी है। इस फिल्म में ड्रैकुला एक इंसान को अपनी बेटी से दूर रखने की कोशिश करता है। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है दी कैबिन इन दी वुड्स। दोस्तों, ये मूवी 2011 में आई थी, एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 35 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 92% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में 5 कॉलेज फ्रेंड वीकेंड में फॉरेस्ट कैबिन में जाते हैं, जहां वे एक मुसीबत में पड़ जाते हैं। कौन सी मुसीबत में पड़ जाते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म की कास्ट में क्रिस हेम्सवर्थ और आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है 28 वीक्स लेटर। दोस्तों, मूवी 2007 में आई थी, एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 40 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 71% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में रेज वायरस ब्रिटेन के आधे हिस्से को जॉम्बी में बदल देता है। 6 महीने बाद अमेरिकी सेना उन बचे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करती है। क्या वो उनको बचा पाती है नहीं, जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आप इस फिल्म को यूट्यूब पर से देख सकते हो। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है वार्म बॉडीज। दोस्तों, मूवी 2013 में आई थी, एक रोमांस हॉरर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 38 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 81% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.8 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, ये मूवी जॉम्बी के साथ साथ रोमांस मूवी भी है। अगर आपको रोमांस मूवी देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 11.7 करोड़ डॉलर। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो से देख सकते हो। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है ट्रेन टू बुसान। दोस्तों, ये मूवी 2016 में आई थी, एक हॉरर एक्शन मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 1 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 94% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 7.6 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों, ये एक हॉरर मूवी है और जहां पर भी जॉम्बीज फिल्मों की बात होती है, इस फिल्म का नाम जरूर आता है। अगर
अगर आपको जॉम्बीज मूवी पसंद है तो आप इस फिल्म को जरूर देखना। आप इस फिल्म को अमेजोन प्राइम वीडियो पर से देख सकते हो। इस फिल्म का एक और सीक्वल है जो कि 2020 में आया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है जॉम्बी लैंड। दोस्तों ये मूवी 2009 में आई थी। कॉमेडी हॉरर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 28 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 89% की रैंक मिली हुई है और IMDB की तरफ से 7.6 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म की कास्ट में है एमा स्टोन। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $10.24 करोड़। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 बेस्ट जॉम्बी मूवी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर फिल्मों से और सेलिब्रिटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।